प्रिय मित्रों नमस्कार। वॉइस ऑफ पोइट्री, वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल यूट्यूब आपका स्वागत है और आपका स्वागत है, अभिनंदन है आज के कविता पाठ में। आज के कविता पाठ का शीर्षक है लाल बहादुर शास्त्री, और ये लाल बहादुर शास्त्री जो कविता है ये मेरे इस कविता संग्रह में, ये 35वीं पोयम है। ये एक ऑर्डिनरी इस तरह से नहीं है कब जन्म हुआ कैसे हुआ, इसका मैं 2 मिनट में आपको बताऊं कि देखिए पोइट्री जो है एक तो मन में से स्ट्रेस और स्ट्रेन को निकालने का प्रयास एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। वैसे तो जीवन परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि ये बहुत ही खुशहाल हैं वो लोग जो जिनके माइंड पर टेंशन और स्ट्रेस नहीं है। जिंदगी भी चलती है, समय भी चलता है, और जिंदगी और समय के साथ आदमी की इस जेब में रखे रहते हैं टेंशन और स्ट्रेस। उन स्ट्रेस और टेंशन को निकालने के लिए, दिमाग को हल्का करने के लिए पोइट्री लिखना, पढ़ना, सुनना एक बहुत ही सार्थक साधन है, उपाय है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस विचार से आप सहमत होंगे। अब है लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें रियल घटना है। रियल घटना ये है कि 1965 में भारतवर्ष का अगर आप नक्शा देखें, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये देखिए मेरे पास भी है गया भारतवर्ष का नक्शा, ये देखिए ये रहा भारतवर्ष का नक्शा, और इसमें ये देखिए एक तकरीबन यहाँ है ये रहा, जब ये जो मेरी उंगली रखी इसको बोलते हैं चिकन नेक। तो एक तो पॉइंट आपने याद रखा चिकन नेक, जम्मू कश्मीर में चिकन ने। दूसरा आपने याद रखना है कि सन 1965 के अगस्त के लास्ट में, सितंबर के शुरू में पाकिस्तान में जब जनरल अयूब डिक्टेटर थे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंडिया पर अटैक कर दिया ये सोच के कि चिकन नेक से अंदर घुस के ऐसे घुसेंगे सीधे जाएंगे और सीधे जाके और जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान से काट देंगे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बिना बताए, हमारी उन दिनों में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस थी नहीं, उन्होंने वहाँ सैकड़ों वो अमेरिकन टैंक जिनको पैटर्न टैंक बोलते हैं वो लाके और बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने वहाँ मिलिट्री इकट्ठी कर दी, और शाम को दिन छिपे हल्के हल्के अंधेरे में उन्होंने अपनी प्लान बनाई और अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो जनरल चौधरी को जब समूची स्थिति ये बताई उनके सबॉर्डिनेट्स ने जो फील्ड में थे वहाँ चिकन नेक पे, कि सर यहाँ सैकड़ों की तादाद में पैटर्न टैंक हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पाकिस्तानी सैनिक हैं, और उनकी ये है कि सीधे आके तमाम जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान से काटने की कोशिश है, और अगर इसमें कामयाब हो गए तो कुछ ही घंटे लगेंगे और ये बिल्कुल अपने ऑपरेशन में कामयाब हो जाएंगे। उन दोनों में हमारी मिलिट्री के चेयर जो थे वो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका नाम था जनरल चौधरी, मेरे को याद है उन दोनों में मैं प्री मेडिकल क्लास में पढ़ता था। तो उन दोनों जब ये ऐसा हुआ तो वो जनरल होते हुए भी वो उनके मन में ये ना सूझे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, तो उन्होंने एक बात कही कि भाई मेरा फ़र्ज बनता है मैं प्राइम मिनिस्टर से जाके बात करूँ। उन्होंने अर्जेंट मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से की और उन दोनों में प्राइम मिनिस्टर थे जिनका आज शीर्षक है कविता का लाल बहादुर शास्त्री है। उनके पास झजक से कहते हैं कि सर स्थिति ये हो गई है कि इस समय हमारे ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, सैकड़ों की संख्या में पैटर्न टैंक है समझे, और हज़ारों की संख्या में सैनिक हैं, और मेरी ये समझ में नहीं आता सर जनरल होते हुए कि मैं अब क्या करूँ, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ और आपसे अपनी चिंता का विषय जो है साझा करना चाहता हूँ। तो देखिए एक 5 फुटा आदमी है, और फिर उसने कहा कि जनरल चौधरी आप तो मिलिट्री के, मैं मिलिट्री का हूँ नहीं, मैं क्या आपको सलाह दूँ, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। आप ऐसे करो कि जो लोग मेरे को सुन रहे ध्यान से सुनना, उन लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि तुम ऐसा करो कि ऊपर चिकन नेक से लेते हुए पाकिस्तान ने पंजाब जो हमारा पंजाब है फाजिलका से होते हुए, और आप नीचे उतरो और राजस्थान से होते हुए और आगे जाओ पश्चिम में और सीधे पहुंच जाओ कच्छ, गुजरात के कच्छ में, इतना लंबा बॉर्डर है, कहाँ से लेके
जम्मू कश्मीर के चिकन नेक से लेके सारा पंजाब, सारा राजस्थान और सारा गुजरात। और उन्होंने कहा इसको कहता है आप रात है ना, उनको पता ना लगे रात रात में मेरे को ये खबर मिलनी चाहिए कि इंडिया ने ये बॉर्डर खोल के और हमारे सैनिक अंदर जाके और वहाँ आक्रमण कर दिया गुजरात तक। अब वो इस बात से वो, और दूसरा उन्होंने बात की कि जितने भी आपके पास में हवाई जहाज हैं उनको सीधे इसी समय विद इन 15 मिनट्स मेरे को ये खबर आनी चाहिए कि आपने वहाँ अटैक कर दिया। तो यही हुआ कि क्या हुआ कि इमीडिएटली तो उससे अटैक किया इंडियन आर्मी ने, अब अपने लड़ाकू विमानों से जो चिकन नेक के ऊपर। तो वहाँ चिकन नेक की सारी दुनिया में मशहूर है कि वो चिकन नेक जो है वो एक कब्रगाह है किनकी, पैटन टैंक्स की। और वहाँ सैकड़ों की तादाद में पैटन टैंक ऐसे पड़े थे जैसे खिलौने पड़े टूटे हुए। और अमेरिका बड़ा नाराज हुआ कि तो हमारी सारी दुकानदारी ख़राब कर दी, ये दुनिया का इस समय सबसे मॉडर्न उन दोनों में 65 में और सबसे कॉस्टली और सबसे बढ़िया पैटर्न टैंक है और तुमने इसको ऐसे कर दिया जैसे कोई सिगरेट को रगड़ देता पी करके, समझे नहीं समझे। तो जो बाजी उन्होंने हमारे ऊपर करनी थी कि अब जीत जाएंगे, वो बाजी उल्टी पड़ गई और पाकिस्तान को बहुत बड़ी मार पड़ी 65 में। अब मैं इसको आपके सामने इतना करके एज ए टीचर मैंने आपको बताया, आप ध्यान से सुनना। 10 टैंक हैं। मास सितंबर सन 1965 का ठिकाना, ठिकाना चिकन नेक। मास सितंबर सन 1965 का ठिकाना, ठिकाना चिकन नेक, छंब जोरिया सेक्टर, जम्मू सेक्टर, जम्मू सेक्टर और संकट का पूर्ण प्रावधान, संकट का पूर्ण प्रावधान। पैटर्न टैंकों का सैलाब भारतीय क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र घनघोर नहीं था कोई उपचार। भारत सीमाओं पर अचानक दुश्मन का फैलाव और पर फिर भी भारतीय सैनिकों ने वहाँ कहा और नारे लगाए भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। दूसरा, घबरा के सेना के चीफ जनरल चौधरी, घबरा करके भारतीय सेना के चीफ जनरल चौधरी ने सूझे कोई सुझाव, गई मिलिट्री की नौकरी सोचें घबराए जनरल चौधरी बेचार। तब गए मुंह लटकाए बताने लाल बहादुर शास्त्री जी को असमंजस की बात और कहा सर हो गया छल कपट से पाकिस्तानी भरपूर आक्रमण, आज की रात मध्य रात। और भी जनरल ने कहा, तीसरा और भी जनरल ने कहा कैसे निपटें इस दहलाने वाले पड़ोसी की हरकत से, हम सेनानी जरूर हैं पर नहीं जाने हैं कदम कैसे पड़े हमारे बरकत के। तब भांप भरपूर ये 5 फुट का भारत माँ का लाल बहादुर, लाल लाल बहादुर शास्त्री लेकर विजय की सलवटें ऊपर अपने चेहरे पर व चंद्रभाल पर और कहने लगा, क्या कहा। चौथा, श्री लाल बहादुर के मुखर बिंद से, श्री लाल बहादुर जी के मुखर बिंद से अब निकलने लगे तोप के गोले। देखिए कवि ने क्या शब्द यूज किए, अब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मुखार बिंद से निकलने लगे थे तोप के गोले। जब इस सिविल सिपाही लाल बहादुर शास्त्री जी ये कहकर यूं बोले कि खोल दो राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर को, कि खोल दो तमाम राजस्थान और तमाम गुजरात और तमाम पंजाब फ्रंटियर को, रातों रात रौंद दो इन पाकिस्तानी दरिंदों को। पांचवा, फिर हुआ इच्छोगिल कैनाल का सुखद हादसा, इच्छोगिल कैनाल के पास पहुंच गए थे, एक ही दिन में वहां पहुंच गए भारतवासी। जो लाहौर से सारा मिला के, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ओनली फ्यू किलोमीटर्स। फिर हुआ इच्छोगिल के कैनाल का सुखद हादसा, कुछ ही किलोमीटर रह गया लाहौर का फासला, जोधपुर से कच्छ तक फैल गया मेरे भारत का लड़ाकू नौजवान जवान, खूब बढ़ाया यूं लाल ने हिंदुस्तान का मान। छठा, हिला दिया 5 फुट ने 6 फुट के अयूब खान को, मिट्टी में मिला दिया कपटी पड़ोसी की आन बान शान को, आओ आज हम भांपें उस बहादुर की शान को, शीतल शास्त्री ज्ञानी ध्यानी भारत के सूर्यवान लाल बहादुर शास्त्री को। अब यहाँ कवि ने 7, 8, 9, 10 3 और रह गए और एक इसमें एग्जाम्पल दिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक तरफ तो ये थे
जब मुंह से तोप के गोले निकाल के और पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में उसको धूल चटा दी, धूल जिसे कहते हैं। और दूसरा उनका चेहरा कैसा था वो इन तीन सातवें आठवें नौवें दसवें से पता लगेगा। अब बहुत ही ज़बरदस्त चेहरा है और मैं कहता हूँ परमात्मा करे आज के शासनदान, आज के हमारे राजनीतिक वो ऐसी सोच रखें जो लाल बहादुर शास्त्री जी की थी और जो मैं आपको अगले चार स्टैंजास में बता रहा हूँ। पहला, आज़ादी आंदोलन में जेल में ठूस दिए गए थे लाल बहादुर जी। घर के फ्रंट पर अब आ गई ललिता जी की बारी थी। सभी घरेलू औपचारिकताएं पूरी की इस दुर्गा स्वरूपा माँ ने, जय ललिता ने। कभी कोई कमी नहीं आई, चतुराई दिखाई ललिता जी शास्त्री जी की आवाज़ ने। आवाज़ जेल से वापस आने पर शास्त्री ने जब पूछा साफ सफाई, जेल से आने पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी धर्मपत्नी से जब पूछा साफ सफाई और कहा ललिता जी कैसे घर चलाया, ललिता जी कैसे घर चलाया जब नहीं थी कोई भी कमाई, ललिता जी कैसे घर चलाया जब कोई भी नहीं थी कमाई। पूर्व भेजे कहा मासिक खर्चे में बचत कर धन मैंने धनराशि, ललिता शास्त्री जी बोली पूर्व भेजे कहा मासिक खर्चे में बचाता कर मैंने कुछ धनराशि, बस इसी तरह हमने खानदान की इज्जत बचाई। अब नौमा देखो कि लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा तुमने कैसे चलाया, फिर लाल बहादुर उनकी घरवाली ने कहा तुम जो मेरे को खर्चा देते थे उसमें से मैं कुछ पैसे बचा लेती थी, उससे ही मैंने खर्चा चलाया। अब देखो उसने क्या किया, कहता तभी कलम उठाकर लिख डाली चिट्ठी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तभी कलम उठाकर लिख डाली चिट्ठी, कांग्रेस दफ्तर, कांग्रेस महासचिव महोदय, आप ज़्यादा भर रहे हैं हमारी मुट्ठी, आप ज़्यादा भर रहे हैं हमारी मुट्ठी, कर डालो मासिक वेतन में हमारी कुछ कटौती, नहीं भाई है ज़्यादा तनखा, हमें नहीं भाई है ज़्यादा तनखा, लगती है हमें ये जैसे कि है ये एक फिरौती। कहने लगा तुम मेरे को ज़्यादा तनखा भेज रहे हो, क्योंकि मैं तो उसी तनख्वाह में से इनको पैसे निकाल के देता था और इतने पैसे निकाल के देता था जिससे रसोई का खर्चा चल जाए, पर रसोई के खर्चे में से 5 रुपये फिर भी बच जाते थे, तो आप मेरे को 5 रुपये महीने ज़्यादा भेज रहे हैं। ये चिट्ठी लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस के दफ्तर को लिख दी। ठीक है, अब देखो कभी क्या कह रहा है, पर आज हमारे लीडर इस लाल की समाधि पर भी जन्म दिवस पर नहीं जाए। 2 अक्टूबर को इनका जन्म है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म है, और एक पार्टी विशेष के लोग, क्योंकि उस पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी की उस पर जाएगा, मेरी आंखों देखी है 1970 से लेके मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको बहुत आराम से 75 तक 5 साल तो लगातार देखा है कि प्रधानमंत्री विशेष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की उस पर जाएंगे, और उसी पार्टी के सदस्य विशेष उच्च श्रेणी के वो भी वहीं जाएंगे, और बराबर में लाल बहादुर शास्त्री की थी वहाँ, इनका बड़ा लड़का मेरे को, मैं खुद उनको देखा, हरकिशन लाल शास्त्री वहाँ अकेले एक छोटा सा टेंट लगवा के और अकेले बैठे रहते थे। मैं वहाँ अवश्य जाता था, और लेकिन प्रधानमंत्री विशेष और एक पार्टी विशेष के सभी उच्च श्रेणी के राष्ट्रीय लेवल के सभी नेता पार्टी विशेष के वहाँ कोई नहीं जाता था। हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, और अगर कोई पार्टी विशेष का शीर्ष तक आदमी ऐसे लोगों को इनाम दे अपनी पार्टी में, अच्छी अच्छी पोस्टें देके जो उनके मन के मुताबिक करे और किसी और का निरादर करे, वो कोई अच्छी बोली नहीं। अब दसवां, पर आज हमारे लीडर इस लाल बहादुर की समाधि पर 2 अक्टूबर को भी नहीं जाए हैं। कांग्रेस के मुखिया भेड़चाल में कार्यकर्ता तो नज़र भी नहीं उठाए हैं। पर जब कांग्रेस हाई कमांड बाहर एक कदम भी उठाए है, झोला छाप कार्यकर्ता घंटों नज़र बिछाए इंतजार करे हैं, नज़र उठाए हैं और नज़र बिछाए हैं। मैंने यहीं इसको समापन दे करता हूँ। मैं मेरी बात का बिल्कुल भी कोई बुरा ना मानना, मेरे लिए
क्या हम सब के लिए जो हमारे लीडर रहे हैं वो महान हैं, और जिन्होंने अपना अपना जितनी उनकी वो थी समय अनुसार उन्होंने उसी तरह से भारत माता की उन्होंने सेवा की, भारत जनमानस की सेवा की, सब एक जैसे एक ही लियाकत के नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यह नहीं कि एक लीडर की इज्जत करे दूसरे की नहीं, हमें सबकी करना चाहिए। और मैं पुनः लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।